नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में पुनः सर्वे की मांग पर प्रतिवादी पक्ष ने दर्ज की आपत्ति। अक्षय नवमी के पावन पर्व पर गायत्री मंदिर में महिलाओं ने आंवले के वृक्ष का किया विधिवत पूजन। देव दीपावली पर्व को देखते हुए पशुबंदी विभाग ने छुट्टा पशुओं को पकड़ा। और देव दीपावली पर्व के मद्देनजर घाटों पर जमा सिल्ट को हटाने का चल रहा कार्य। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में पुनः सर्वे की मांग पर प्रतिवादी पक्ष ने आपत्ति दर्ज की। अगली तारीख 11 नवंबर तय की गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में पूजा अर्चना व विग्रहों को संरक्षित करने वाली याचिका पर 82 ग के तहत जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई की गई, जिसमें वादी पक्षकार के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में अधूरे सर्वे व तहखाने से मिट्टी हटाकर पुनः सर्वे की मांग की गई थी, जिस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिस पर न्यायालय ने 11 नवंबर की अगली तारीख निहित कर दी है। पेंडिंग था काफी दिन से कि जो वहाँ नीचे की दीवार है और दरवाजा है उसको हटाकर वहाँ का निरीक्षण होना चाहिए। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दी है, कोर्ट ने हमको उसका समय दिया है आपत्ति का कि हम आपत्ति पर अपनी आपत्ति दाखिल करें। अगली तारीख जो है 11 नवंबर है। साथ साथ जो कमिश्नर रिपोर्ट है उसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, उस कमिश्नर रिपोर्ट पर भी हम अपनी जो मुस्लिम पक्ष का अध्यक्ष है उसका जवाब देंगे। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट तो पूरी हो चुकी थी, उस पर किस तरह की बहस हुई है? कोई बहस नहीं हुई है। कमिश्नर रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन देने का दोनों पक्षों का अधिकार होता है, तो इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उनका जवाब हम देंगे और 11 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। अच्छा, गुरु जी 82 ग की जो आपत्ति दाखिल की है, 82 ग पे आपकी प्रार्थना पत्र पे किन बिंदुओं को आधार बनाया मसाजिद कमेटी ने? उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि वहाँ सुरक्षित रखा जाए, तो आप वहाँ से दीवार नहीं हटा सकते हैं, उस समय नुकसान पहुँच सकता है। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका क्या ऑब्जेक्शन और रिप्लाई हम देंगे। नहीं, वो जो सुरक्षित एरिया है उसकी मियाद भी 12 नवंबर को खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला 10 नवंबर को लगा है और 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की जाएगी, इसमें आगे बढ़ाया जाए। तो शिवलिंग के अर्घ्य के आसपास जो एरिया है क्या उसको भी आप सर्वे कमीशन के जरिए छपाना चाहते हैं? वो मामला भी पेंडिंग है, इस पर आपको 10 तारीख के बाद ही मुझे सही बता पाऊंगा। अक्षय नवमी के पावन पर्व पर गायत्री मंदिर में महिलाओं ने आंवले के वृक्ष का पूजन अर्चन किया। अक्षय नवमी पर्व पर गायत्री मंदिर में आंवले के पेड़ के नीचे पूजन अर्चन किया गया। गायत्री मंदिर महिला मंडल द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों ने आंवले के पेड़ के नीचे विधिवत पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रंजना गुप्ता, रीना सिंह, पिंकी रस्तोगी, ज्योति रस्तोगी सहित अन्य लोग शामिल रहे। जयंती में बउरा गए तो फेरी भी मारी ले सब लोग पकड़ के। देखो भाभी फेरी हाँ। भी मारी लो यही लगने इसका फिर झुक गए। हां आज कार्तिक के महीने में अक्षय नवमी का पर्व है। ये आज के दिन औलव का जन्म हुआ था, इसके वजह से हम लोग पूजा करते हैं औलव वृक्ष के नीचे बैठ के आके, और हम लोग पूजा करके औला का फेरी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और सुहाग का चीज चढ़ा के सब हम लोग दान करते हैं पंडितों को। पति का सुख समृद्धि के लिए लंबी उम्र। और मैं गायत्री मंदिर से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग यहाँ पे हर साल जो है वो आंवले वृक्ष के नीचे आके पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, यहीं पे भोजन भी बनाते हैं और बहुत सारी महिलाएं हम लोग बहुत सारी ये आंवला वृक्ष का पूजा होता है। आज के ही दिन आंवला वृक्ष का जो है वो जन्म हुआ था, तो हम सारी महिलाएं आते हैं पूजा करने के लिए। कार्तिक महीना में इसका बहुत ज़्यादा फल होता है, तो हम सारे लोग यहाँ आते हैं।
बहुत सारी भाभी लोग, कभी कभी हम लोग अपने घर से भी प्रसाद बना बना के लाते हैं, आंवले का पूजा करके और वहीं पे बैठ के एकदम वृक्ष के नीचे ही बैठ के हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस व्रत से आपके परिवार का, आपके ससुराल, मायके, सब जगह का सुख समृद्धि होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बच्चों को मिलता है। और अगर आप पूजा करेंगे तभी आपके संस्कार बच्चों में भी पड़ेंगे। तो हम सब लोग ये आते हैं, पूजा करते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं और बहुत मज़ा आता है। बहुत हाँ, फेरी लगाते हैं और बहुत अच्छा आंवला भी चढ़ाते हैं, साथ में साबुत आंवला भी चढ़ाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है हम सभी। देव दीपावली पर्व को देखते हुए पशु बंदी विभाग द्वारा छुट्टा पशुओं को पकड़ा गया। वाराणसी में देव दीपावली पर्व को देखते हुए नगर में पशु विभाग के अधिकारी अजय प्रताप सिंह के निर्देश पर छुट्टा पशुओं को नगर निगम पशुबंदी विभाग के कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया। पशुपालकों को चेतावनी दी गई कि अपने जानवर घरों में ही रखें, अन्यथा पकड़कर गौशाले में बंद कर दिए जाएंगे, जिनका चालान भी कटेगा। अभी देव दीपावली तक इन आवारा पशुओं को छोड़ा नहीं जाएगा। आज दर्जनों पशुओं को पकड़ा गया। आगे भी यह अभियान तेजी से चलता रहेगा क्योंकि नगर में मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सहित वीआईपी का आगमन होना है और नगर को साफ किया जा रहा है। तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग रोड की सफाई करवा रहे हैं। पशु बंदी पालकों को मना किया जा रहा है रोड पे छोड़े ना त्योहार तक, उसके बाद पकड़ाएंगी जानवर और जब्त हो जाएंगी, छूटेंगी नहीं दोबारा, वो सीधे गौशाले चली जाएंगी। जुर्माना भी कोई नहीं सुनवाई होगा एकदम इस समय इन लोग को मना। तो ये लोग का कहना यही है, आप लोग त्योहार तक बांध के रखें उसको, छोड़े ना, नहीं तो ये सब जब्त कर लिया। हाँ, जब्त कर लिया जाएगा। किसके आदेश? नहीं तो चालान भी कटेगा उनके डेयरी पे जाके, हर डेयरी वालों को। ये अजय प्रताप सिंह के द्वारा चल रहा है, ये पशु चिकित्सालय के अधिकारी है। देव दीपावली पर्व के मद्देनजर घाटों पर जमा सिल्ट को हटाने का कार्य किया जा रहा है। काशी के गंगा घाटों पर जमा सिल्ट हटाने का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। आगामी देव दीपावली पर्व को देखते हुए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में गंगा के जलस्तर के बढ़ने के चलते घाट किनारे काफी मात्रा में सिल्ट जमा है। ऐसे में तेजी से घाटों की साफ सफाई और जमा सिल्ट को हटाने का कार्य चल रहा है। नगर निगम की देखरेख में संस्था द्वारा तेजी से सफाई की जा रही है। 80 घाट पर साफ सफाई करते हुए उसे समतल किया जा रहा है। ये करीबन 9 किलोमीटर का पैच है, इसमें 88 घाट आते हैं बनारस के अंदर नगर निगम के क्षेत्र में। तो 88 घाटों का कार्य, सभी की सफाई हो रही है। क्या स्थिति है? पूजा दीता है, पहले छठ पूजा का चैलेंज था तो उसमें हम लोग लगे हुए थे। अभी देव दिवाली की तैयारी चल रही है और दो दिन और पंप चलेगा, दो दिन के बाद स्लो हो जाएगा 80 घाट पे, और बाकी और घाट लगभग क्लियर है। 90% मोर देन 90% हो गया है। 80 घाट पर क्या स्थिति रहेगा? 80 घाट पे जो नीचे देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म है, आप जूम करके देख सकते हैं, नीचे का प्लेटफॉर्म है वो रहेगा 80 घाट का। और न्यू 80 घाट सुबह बनारस है जो अभी देख रहे हैं समतल कराया जा रहा है कर्मचारियों से, वही स्थिति रहेगा। आगे बाकी की सभी स्थिति आपको बेहतर है, फर्स्ट दिख रहा है सभी का। दशाश्वमेध घाट पर गंगा के जलस्तर में घटाव के बाद 75 दिनों बाद गंगा आरती घाट पर की गई। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती दशाश्वमेध घाट पर होने लगी। घंट घड़ियाल से 75 दिनों बाद दशाश्वमेध घाट गूंजा। 75 दिनों बाद दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती घाट पर हुई। माँ गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण 74 दिन गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर माँ भगवती की आरती हो रही थी। वहीं गंगा घाट पर आरती होने से घाटों की रौनक लौटी। देश विदेश से आए पर्यटक व श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी दिखी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव, ट्रस्ट सचिव सुरजीत सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी।
आरती देखिए अभी तक तो बाढ़ था, आरती पूर्व अपने स्थान पर अभी आई नहीं है, पूर्व से भी थोड़ा सा पीछे आरती हो रही है। आज आरती अपने नीचे गंगा का जल स्तर घटने से आज आरती अपने स्थान पर होना शुरू हुआ। भारी भीड़ को देखते हुए हम लोग साफ सफाई, रख रखाव, वॉलंटियर और प्रशासन का भी बहुत सहयोग है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिसर पोखरा स्थित प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान जी के श्रृंगार व भंडारे का आयोजन हुआ। मिसर पोखरा स्थित प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान जी का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। भक्तों ने उपस्थित होकर जय जयकार के बीच दर्शन पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर आनंद बारी, कन्हैया दुबे, अमलेश शुक्ला, रविकांत विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये मिसर पोखरा स्थित हनुमान जी का भव्य श्रृंगार हुआ अतुलित, और इस पावन दरबार में भंडारे का आयोजन किया गया। तमाम जब हनुमान जी को ये प्रसाद चढ़ाया गया तो अपने आप स्वादिष्ट हो गया, और जहाँ देवी देवता होते हैं वहाँ हनुमान जी और भैरवनाथ अवश्य होते हैं, तो उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी उपासना आज मंगलवार को ये मिसर पोखरा के पूरे आनंद बारी जी और उनके सभी कार्यकर्ता के साथ मिलजुल करके भंडारे के साथ, श्रृंगार के साथ, डमरू निर्यात के साथ, घंटा घड़ियाल और आरती के साथ भव्य आयोजन मनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग भंडारे का स्वाद चख रहे हैं और हनुमान जी को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और भूत पिशाच निकलने आए महावीर जन नाम सुनावे। धर्मसंघ शिक्षा मंडल में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन कर दान पुण्य किया गया। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ शिक्षा मंडल के प्रांगण में संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन द्वारा अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। सनातन धर्मावलंबियों के लिए अक्षय नवमी का दिन सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अक्षय नवमी का पर्व काशी के विभिन्न मंदिर, कुंड और पवित्र स्थानों पर मनाया जा रहा है। आंवले के वृक्ष पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जिसके कारण सनातन धर्मी आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं। आंवले के पेड़ का विधि विधान के साथ पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धार्मिक संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन द्वारा श्रद्धा भाव से वैदिक मंत्रों के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की गई और बटुकों को भोजन कराया गया तथा उन्हें वस्त्र दान किए गए। सभी महिलाओं ने मंगल गीत गाए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण महिलाएं शामिल रहीं। आज ये अक्षय नवमी का आयोजन है, और इसमें हम लोग हर वर्ष जो है कहीं ना कहीं कोई पूजा पाठ करते रहते हैं और सब दान दक्षिणा जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं। और यहाँ पर आज हम लोगों ने एक छोटे छोटे बटुक हैं जिनको कि हम लोग भोजन कराएंगे और कंबल दान करेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर अन्न ग्रहण करेंगे। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मोरबी पुल हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है तथा कई घायल भी हैं। इसको लेकर पूरे देश में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की जा रही है। वहीं कचहरी पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल द्वारा मोरबी पुल हादसे में मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई एवं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ हेतु भी प्रार्थना की गई। एक एक करके पुष्पांजलि करके आज हम सब ने वाराणसी के इस जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों दीपावली के पर्व पर
गुजरात के मोरबी क्षेत्र में केबल ब्रिज के टूटने पर जो हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, मृत हो गए, हम उन मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पुष्पांजलि कर नमन किया उनको, 2 मिनट का मौन रखा गया और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा उन मृतक के परिवारों को ईश्वर संबल प्रदान करे कि वो इस दुखद घड़ी में इस दुख को सहने की परमात्मा उनको शक्ति दे और हम भी उन मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ हम सभी काशीवासी उनके लिए इसी इस दुखद घड़ी में पूरा देश उनके साथ है, उन आत्मा वो आत्मा जहां भी हो ईश्वर उनको शांति प्रदान करे। विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में चल रहे रामचरितमानस पाठ में प्रभु श्री राम व माता सीता के विवाह का प्रसंग गूंजा। विश्वनाथ मंदिर परिसर में चल रहे रामचरितमानस पाठ के तीसरे दिन प्रभु श्री राम व माता सीता के विवाह का प्रसंग गूंजा। व्यास रामकुमार कपूरिया एवं 111 ब्राह्मणों द्वारा विवाह प्रसंग प्रस्तुत किया गया जिसे सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हो गए। आपको बता दें कि रामचरितमानस का यह नवाहन पाठ विगत 68 वर्षों से निर्बाध रूप से होता चला आ रहा है जिसमें यजमान के रूप में श्री देवकी नंदन कपूर व उनका परिवार होता है तथा व्यासपीठ राम कुमार कपूरिया के सानिध्य में संपन्न होता चला आ रहा है। नए आयोजक मंडल में कृष्ण कुमार खेमका तथा कौशल शर्मा शामिल रहे। इस संस्था से मेरा पिताजी का जुड़ाव पिछले 68 वर्षों से ही है। जब से संस्था का निर्माण हुआ है, स्थापना हुई है, मेरे पिताजी राधेश्याम जी खेमका इस संस्था के साथी थे। और ये मतलब आज तो जो है कि नवाहन पाठ का आज तीसरा दिन है और राम विवाह के मौके पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अब जिन संतों ने इस अवसर पर आए कि अपने प्रवचन सुनाए हैं लोगों को, अपनी वाणी को सार्थक किया है, इस संस्था में राम जन्म फिर राम विवाह आदि की सारी लीला प्रत्येक वर्ष होती है। ये सबसे बड़ा महोत्सव है राम विवाह, और आज इस मौके पे सारे श्रद्धालु और सारे विप्रवण को इस बात की बधाई है कि राम विवाह हम लोग के लिए मंगल कारक है। आज मैं खड़ा हूँ विश्वनाथ मंदिर परिसर में जहाँ आज नवाहन पाठ का तीसरा दिन चल रहा है। आज नवाहन पाठ प्रायर में राम विवाह का प्रसंग अभी चल रहा है। जैसा कि देखा जाए कि यहाँ पर समाप्त मंडल ये नवाहन पाठ परायण आज 68 सालों से चलता चला आ रहा निर्बाध रूप से। क्या प्रसंग के साथ में महिषाद के दिन केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा बैठक कर देव दीपावली पर गोबर के दीपक जलाने का निर्णय लिया गया। देव दीपावली को लेकर तमाम संगठन तैयारियों में लग चुके हैं। देव दीपावली की भव्यता को 4 चांद लगाने के लिए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा बनारस के 80 घाट से तुलसी घाट के बीच में 11,000 गोबर के दीपक जलाए जाएंगे। आज इसकी घोषणा एक बैठक में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ने की। उन्होंने बताया कि हम सभी इस देव दीपावली में गाय के गोबर से घाटों को सजाएंगे एवं संगठन के द्वारा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। संगठन की यह बैठक 80 घाट स्थित गंगा सेवा समिति के कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में शांति भूषण मिश्रा, रघु मिश्रा, अनिल कुमार पांडे, पंडित शीतला प्रसाद पांडे, संतोष तिवारी इत्यादि लोग शामिल रहे। देव दीपावली को लेकर क्या तैयारियां आप लोग? देव दीपावली के लेके आज हमारे केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पांडे जी के अध्यक्षता में और संरक्षक पंडित शीतला प्रसाद पांडे जी के अध्यक्षता में और यहाँ हमारे जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, रघु जी हैं, जगदम्बा प्रसाद जी हैं, मुन्ना जी हैं, सारे लोग बैठक किए हैं और ये हम लोग तय किए हैं कि गाय के गोबर का दीपक 80 घाट पे 11,000 गाय के गोबर और गाय के घी का दीपक कार्यकर्ता मिल के 4:30 बजे से लेकर 8 बजे तक दीप प्रज्वलित करने का कार्य यहाँ पे करेंगे घाट पे। किस घाट पे करेंगे? 80 घाट से तुलसी घाट तक का हम लोग माने हैं, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं, 80 घाट और तुलसी घाट दो घाटों पे करने का है।
इसके साथ साथ और भी कुछ कार्यक्रम आप लोग कार्यक्रम बाकी सारे घाट के जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं तो होंगे ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं होते रहेंगे। या व्यक्तिगत केंद्रीय ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम में गाय के गोबर के दीपक को प्रज्वलित करना। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में पुनः सर्वे की मांग पर प्रतिवादी पक्ष ने दर्ज की आपत्ति। अक्षय नवमी के पावन पर्व पर गायत्री मंदिर में महिलाओं ने आंवले के वृक्ष का किया विधिवत पूजन। देव दीपावली पर्व को देखते हुए पशुबंदी विभाग ने छुट्टा पशुओं को पकड़ा। और देव दीपावली पर्व के मद्देनजर घाटों पर जमा सिल्ट को हटाने का चल रहा कार्य। तो आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।